हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो यार आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। तो यार आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो दानियाल शेख से रिलेटेड है। तो यार आप सबको पता ही होगा कि दानियाल शेख ने अपने चैनल पे पॉडकास्ट वगैरह अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, जिसके रिलेटेड लोग उनसे काफी ज्यादा पूछ रहे थे कि आपने पॉडकास्ट वगैरह वाला सिलसिला क्यों शुरू किया है वगैरह वगैरह। तो वो उसी के रिलेटेड अपनी इंस्टा स्टोरीज वगैरह में रिप्लाई देते हैं, तो उनकी स्टोरीज वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। यार मेरा पॉडकास्ट शुरू करने का एक ही रीज़न है कि इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल से पहचाना जाता है। जितने पढ़े लिखे जितने काबिल लोगों में इंसान बैठता है, उतना ही उसका इल्म बढ़ता है, काबिलियत बढ़ती है, तालीम बढ़ती है। मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन यही था कि मैं पाकिस्तान नहीं पूरे बरसगीर के इंटेलेक्चुअल्स का इंटरव्यू करूँ, ताकि उससे मुझे सीखने मिले, मुझे तालीम हासिल करने का मौका मिले, मेरा इल्म बढ़े। अदरवाइज़ इसके अंदर अगर बिजनेस मॉडल के लिहाज से देखा जाए तो इतना कोई खास पैसे है ही नहीं। तो यार जिन लोगों का भी ये क्वेश्चन था उनको आंसर मिल गया होगा। बकायर इसी के साथ साथ हमारी जो अगली न्यूज है वो बाबा जी से रिलेटेड है। तो यार रिसेंटली बाबा जी ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कुछ टाइम के लिए रोस्टिंग वगैरह छोड़ हैं। उन्होंने बताया कि उनकी यूट्यूब पे जो भी वो वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं तो उस पे वार्निंग आ जाती है, और उनकी जो मोनेटाइजेशन वगैरह है वो भी ऑफ हो जाती है। और इसी के साथ साथ उनको दो दफा जो है वो मोनेटाइजेशन डिसेबल की वार्निंग भी आ चुकी है, जिसकी वजह से वो अपने मेन चैनल पे जो रोस्टिंग का चैप्टर है वो भी कुछ टाइम के लिए क्लोज कर रहे हैं। तो यार उन्होंने अपने चैनल पे इसके रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो बनाई भी है, लेकिन उनकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब हुआ ये कि इन्हीं दो दिनों में मेरी 10 वीडियो और डिमोनेटाइज्ड हो गई है, जिसकी वजह से वो वार्निंग दोबारा मेरे चैनल पे आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं मजीद कोई भी रोस्ट वीडियो बनाता हूँ तो पहले तो 5 दिन तक यूट्यूब खुद उसको अपने रिव्यू में रखेगा, और उसके बाद उस वीडियो की रीच डेड होगी। और तीसरा ये कि खुदा ना खास्ता मेरी मोनेटाइजेशन को भी मसला हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब बार बार वार्निंग नहीं देता। एक दफा पहले वो मुझे दे चुका है, अब दूसरी दफा आई हुई है। तो थोड़ी सी सेफ साइड लेते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि इस चैनल पे मजीद रोस्ट वीडियोस फिलहाल तो नहीं आएंगी। तो यार सीन ये है कि बाबा जी ने रोस्टिंग वगैरह जो है वो परमानेंटली नहीं छोड़ी, वो कुछ टाइम बाद हमें दोबारा रोस्ट वगैरह बनाते हुए दिखाई देंगे। बकायर इसी के साथ साथ मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो जैद अली से रिलेटेड है। तो यार रिसेंटली जैद अली ने कुछ स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उनको काफी ज्यादा चोट वगैरह भी लगी है। तो यार इन्होंने स्टोरी शेयर करते हुए कहा, सलाम एवरीवन, दिस पास्ट फ्यू डेज हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक डेज ऑफ माय लाइफ। आई वाज रिसेंटली इन टेरिबल एक्सीडेंट इन विच आई हिट माय हेड एंड कंप्लीटली पास्ड आउट। अपॉन वेकिंग अप आई वाज टोल्ड दैट आई हैड अ मेजर कंफ्यूजन एंड आई हैव बीन एक्सट्रीमली लकी दैट देयर वाज नो इंटरनल ब्लीडिंग इन माय हेड इज करंटली डिफॉर्मड एंड सोलन एंड इट्स डिफिकल्ट टू ईट एनीथिंग एंड आई हैव बीन वोमिटिंग रिपीटेडली। आई रिमेंबर व्हेन इट फर्स्ट हैपेंड आई वाज इन सच अनकंट्रोलेबल पेन एंड वाज बेगिंग अल्लाह टू टेक एवरीथिंग आई हैव जस्ट टू मेक दिस पेन गो अवे। ऑल द वर्ल्डली प्रॉब्लम आई हैड दे डिडंट मैटर एनीमोर। अ फ्यू डे लेटर नाउ आई रियलाइज दैट समथिंग वी नेग्लेक्ट दैट बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट अल्लाह हैज गिवन अस व्हिच इज अवर हेल्थ। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन हेल्थ। इफ यू आर हेल्दी यू हैव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। द डॉक्टर सेड टू मी इट वुड टेक 7 to 10 days फॉर मी टू स्टार्ट माय डेली एक्टिविटीज, बट इट कुड टेक अप टू अ फ्यू मंथ्स फॉर इट टू हील प्रॉपर्ली। ऑल आई रिक्वेस्ट एट दिस पॉइंट इज जस्ट टू कीप मी इन योर दुआज। यार जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, 1000, 2000, 500, 100, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, तो यार उन सबसे गुजारिश है कि यार जैद अली की बेहतरीन सेहत के लिए लाजमी दुआ करें। बगैर इसी के साथ साथ दुआ जारा और जहीर का जो केस था, इसके रिलेटेड तो मैं अपनी पिछली भी काफी वीडियोस में आप सबको बता चुका हूँ। लेकिन यार अब रिसेंटली हीरामानी को काफी ज्यादा हेट दिया जा रहा है उसी के रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि दुआ जारा और जहीर कभी अलग ना हो, अल्लाह ताला मेरी ये दुआ जरूर सुनेंगे। तो यार उनकी ये स्टोरी के बाद उनको काफी ज्यादा हेट दिया जा रहा है कम्युनिटी में, और लोग भी काफी ज्यादा उनको हेट वगैरह दे रहे हैं। तो यार इसी के रिलेटेड स्टोरी लगाते हुए काकान ने भी हीरामानी को इसी स्टोरी का रिप्लाई दिया है। तो वो हीरामानी को रिप्लाई देते हुए कहते हैं, दुआ जारा केस हैज प्रोग्रेस टू अ पॉइंट वेयर इट वाज प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ यूजिंग डीएनए एविडेंस। दिस इज नॉट अ जोक, शी इज अ चाइल्ड दैट वाज किडनैप्ड। समवन एक्सप्लेन दिस टू हीरामानी। पीपल लाइक हर नीड टू इधर गो बैक स्कूल और गेट अ साइकोलॉजिकल हेल्प, बिकॉज एवरी टाइम दे ओपन देयर माउथ्स इट्स हर्ट्स ह्यूमन काइंड वन वे और द अदर। आई एम इन शॉक बाय हर कमेंट्स एंड विल नॉट स्टे साइलेंट जस्ट बिकॉज आई एम इन अपकमिंग एक्टर एंड शी इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फिगर इन द इंडस्ट्री। बुलशिट नीड टू बी कॉल्ड आउट, वी शुड ऑल डू एग्जैक्टली जस्ट दैट। तो यार आप लोग खाकान की बात से एग्री करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। बगैर मैं तो खाकान की बात से 110% एग्री करता हूँ। बगैर इसी के साथ साथ मजीद आगे बढ़े तो यार हमारी जो अगली न्यूज है वो डक्की भाई से रिलेटेड है। यार रिसेंटली डक्की भाई ने अपने गेमिंग चैनल पे एक लाइव स्ट्रीम की थी ब्लैक पिंक के रिलेटेड, जो कि एक पबजी मोबाइल का इवेंट आया हुआ है। तो यार उन्होंने कुछ इनअप्रोप्रिएट ब्लैक पिंक के रिलेटेड बातें वगैरह कर दी थी, जिसके बाद ब्लैक पिंक के जो फैंस है उनको काफी ज्यादा बुरा लगा था, और वो डक्की भाई को हेट वगैरह देने लग गए थे। यार इसी के रिलेटेड एक ट्वीट करते हुए डक्की भाई ने अपोलॉजी की है, जिसमें उन्होंने कहा, आई वॉज डूइंग अ लाइव स्ट्रीम ऑन माई गेमिंग चैनल कैजुअली वॉचिंग ब्लैक पिंक कॉन्सर्ट। ऑनेस्टली मी एंड माई फ्रेंड वर जस्ट हैविंग फन, बट द कन्वर्सेशन वेंट इनअप्रोप्रिएट एंड बीपी फैंस डिडंट लाइक। आई वांट टू अपोलॉजाइज
रिगार्डिंग दिस एंड इट वॉन्ट हैपन अगेन, रिमूव द लाइव टू। तो यार उम्मीद है जो बीपी के फैन है उनकी नाराजगी दूर हो गई होगी। खैर आज के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। पक्का मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।